आज हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उसको देखकर लगता है कि ना सिर्फ इस क्षेत्र से, इस जिले से, लेकिन संपूर्ण राजस्थान में हमारी सरकार दोबारा बनेगी कांग्रेस पार्टी की। जो उत्साह लोगों में था, हर बूथ से, हर पंचायत से, हर वार्ड से हमारे कार्यकर्ता आए और पार्टी और सरकार की जो रीति नीति रही है उसमें लोगों की आस्था है। और भाजपा का शासन जो दिल्ली का है उससे लोग त्रस्त हैं, 9 साल का लगातार शासन देख चुके हैं। और विशेष रूप से जो नौजवान है, जो गृहणियां हैं, वो सब एक तरह से थक चुके हैं, बदलाव चाहते हैं दिल्ली में भी। लेकिन केंद्र की सरकार तब बदल सकती है जब हम इन 3-4 राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनाएं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे राजस्थान के अंदर। और पार्टी ने जो भाजपा को हराने का काम किया है हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में, उससे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह भी है। आज टोंक से आगाज मान लिया जाए, सचिन पहले टोंक से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमको तो पार्टी जो आदेश देती है, हम सब लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सभी लोग जो जो पार्टी का निर्देश होता है, कहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, क्या चुनाव लड़ेगा, सबको हम लोग मानते हैं। हाँ, लेकिन मुझे अवसर मिला यहाँ से विधायक बनने का 4.5 साल पहले, और पूरी ताकत से हम लोगों ने यहाँ पर विकास के काम किए। यहाँ के लोगों का बहुत प्रेम है और मैंने आज भाषण में ये कहा कि पिछली बार हम जीते थे यहाँ 50-52 हज़ार वोटों से कांग्रेस पार्टी, इस बार उससे ज़्यादा वोटों से जीतें, ये हम सबकी कोशिश रहेगी। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।